टेक्नो टीवी। तो दोस्तों, इस टेबल की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें स्प्लिट एयर कंडीशनर परचेस करना चाहिए या विंडो एयर कंडीशनर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है प्राइस का। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों में कौन सा हमें ज़्यादा सस्ता या महंगा पड़ेगा। तो देखिए, प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो विंडो एसी सस्ते आते हैं और स्प्लिट एसी महंगे आते हैं। मतलब अगर विंडो एसी 20,000 का आता है तो स्प्लिट एसी लगभग 30,000 का आता है। तो ये वाला पॉइंट जो है विंडो एसी के पास चला जाता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस, यानी कि इन दोनों में से किसका मेंटेनेंस कम है। अगर हम एक बार परचेस कर लेते हैं तो खर्चा किस में कम आता है बाद में, सर्विस में या फिर कैसे भी। तो देखिए, विंडो एसी में मेंटेनेंस कम आता है। इसको इंस्टॉल करते हैं, जब इसको लगाने के लिए जो पाइप की ज़रूरत नहीं होती है तो वो पाइप का खर्चा बच जाता है। स्प्लिट एसी अगर आप लगाएंगे तो उसमें आपको अलग से पाइप देना होता है, उसका खर्चा लगता है। स्प्लिट एसी की सर्विस भी महंगी होती है, विंडो एसी की सर्विस भी महंगी होती है। लेकिन विंडो एसी की सर्विस आप खुद घर में कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप उसको सिर्फ वॉश कर दीजिए शैम्पू से या फिर आप कॉलिन वगैरह से या फिर हारपिक वगैरह से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसका मेंटेनेंस काफ़ी लो होता है, आपको सिर्फ एक विंडो चाहिए होती है इसको लगाने के लिए। तो मेंटेनेंस के मामले में भी विंडो एसी के पास ये प्लस पॉइंट है स्प्लिट एसी के मुकाबले। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमारा पैसा यूजलेस है। तो देखिए, स्प्लिट एसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है विंडो एसी के मुकाबले। इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फास्ट कूलिंग होता है और बिल्कुल नॉइस फ्री होता है स्प्लिट एसी। विंडो एसी थोड़ा सा नॉइसी होता है, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है और स्प्लिट एसी की नॉइस बिल्कुल कम होती है, साइलेंटली वर्क करता है। तो परफॉर्मेंस के मुकाबले में स्प्लिट एसी बेटर है विंडो एसी के मुकाबले। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है पावर कंजप्शन का, यानी कि कौन सा एसी ज़्यादा बिजली खाता है और कौन सा एसी कम बिजली खाता है, यानी कि आपका बिजली का बिल अगर किसमें ज़्यादा आएगा और किसमें कम आएगा। तो दोस्तों, चाहे आप कोई भी स्टार वाला एसी लें, स्टार तो दोनों में ही आते हैं 1 to 5 स्टार, लेकिन विंडो एसी का पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है स्प्लिट एसी के मुकाबले, क्योंकि स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती हैं, दोनों में अलग अलग पावर जाता है। तो स्प्लिट एसी का कंजप्शन ज़्यादा होता है विंडो एसी के मुकाबले, विंडो एसी का पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है। तो ये वाला पॉइंट भी विंडो एसी के पास चला जाता है। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट है लाइफ। मतलब अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कौन सा ज़्यादा दिनों तक हमारे पास चलेगा, किसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो देखिए दोस्तों, स्प्लिट एसी की लाइफ विंडो एसी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करते हैं किसी भी एयर कंडीशनर को, तो विंडो एसी की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल होती है। कंपनी जो है 5 साल की वारंटी देती है दोनों ही एसी की, स्प्लिट हो चाहे विंडो हो। तो आपका अगर बहुत ज़्यादा यूजेज आप करते हैं, 24 आवर्स या 20 आवर्स आप दिन में चलाते हैं, तो विंडो एसी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 साल या 8 साल चलेगा। और दूसरी तरफ वहीं स्प्लिट एसी का अगर आप बहुत ज़्यादा यूजेस करते हैं तो भी यार आपका 10 से 15 साल चल जाता है। और अगर आप बिल्कुल कम यूज़ करते हैं तो वो एक अलग डिपेंड करता है। मतलब लाइफ जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है आपके यूजेस पे, लेकिन फिर भी विंडो एसी की लाइफ स्प्लिट एसी के मुकाबले कम होती है, स्प्लिट एसी की लाइफ ज़्यादा होती है। तो ये वाला पॉइंट हम स्प्लिट एसी को देंगे। और दोस्तों, आखिरी पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी, यानी कि हम अगर खर्चा कर रहे हैं तो हमारे पैसे का पूरा हमें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे तो आप देखिए, प्राइस के मुकाबले, मेंटेनेंस के मुकाबले, पावर कंजप्शन के मुकाबले विंडो एसी को हमने पॉइंट दिया है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के मुकाबले और लाइफ के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट मुझे स्प्लिट एयर कंडीशन को ही देना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस और लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी चीज़ के लिए अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट मैं स्प्लिट एसी को देता हूं। तो दोस्तों, इस वाली टेबल से आप समझ गए होंगे, आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको विंडो एसी लेना है या स्प्लिट एसी लेना है। हाँ, विंडो और स्प्लिट एसी में अगर आपको विंडो एसी लगाना है तो आपको एक उसके लिए विंडो होना बहुत ज़रूरी है। स्प्लिट एसी के लिए कोई विंडो की ज़रूरत नहीं होती है, और कई रूम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ विंडो नहीं होती है, तो वहाँ पर विंडो स्प्लिट का ऑप्शन ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहाँ पर फिर आपको स्प्लिट एसी ही लगाना होगा जिस रूम में आपकी विंडो नहीं है, और अगर विंडो है भी तो उसके बाहर ज़्यादा कम से कम विंडो के बाहर 4 फीट का गैप होना चाहिए खाली, ताकि उसको वेंटिलेशन मिल सके विंडो को। दोस्तों, हमारा ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमें विंडो एसी लगाना है या स्प्लिट एसी लगाना है। नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। टेक्नो टीवी।